अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देसी फूड बाय आयशा। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से गोभी गोश्त। चलें रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक टेबलस्पून हमने मिर्च लिया, एक टेबलस्पून धनिया, एक टेबलस्पून नमक, हाफ टेबल स्पून धनिया, हाफ टेबल स्पून ज़ीरा, हरी मिर्च और हरा धनिया। हमने लिए 3 टमाटर, 2 लहसुन अदरक का पेस्ट, 3 पाव मटन, 1 प्याज, 1 रेसिपी शुरू करते हैं। हमने 1 कप ऑयल डाल दिया है। अब हमने मटन डाला है, टमाटर जाएंगे, प्याज शामिल कर देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट, सारे स्पाइसेस हम साथ ही डाल देंगे। 1.5 गिलास पानी डालेंगे, इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब हम पानी में बॉईल आने का इंतजार करेंगे। बॉईल आ चुका है। अब हम इसे 20 मिनट के लिए हम कवर करके रख देंगे। 20 मिनट बाद हम ढक्कन हटाकर देखेंगे। 20 मिनट बाद हमने ढक्कन हटाकर देखा है, गोश्त हमारा भुनने के लिए बिल्कुल तैयार है। जैसे हमने चेक किया है बार बार, आपने भी इसी तरह ही चेक करना है। अगर आपका गोश्त ना गले तो आप दोबारा पानी डालकर रख सकते हैं। इसकी अच्छी तरह से और भुनाई करेंगे। पानी हमारा बिल्कुल परफेक्ट रहा, हमें और पानी शामिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बीच बीच में हमने ढक्कन हटाकर देखा है, माशाल्लाह से मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है। हमने 1 किलो गोभी लेके काट कर धो ली है। अब हम इसमें गोभी शामिल कर देंगे। आप ये बात तो सभी जानते हैं कि गोभी थोड़ी सी बादी होती है, इसलिए हमें इसमें अदरक का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। हमने लहसुन अदरक का पेस्ट पहले भी डाला है और हम एंड में भी अदरक डालेंगे इसमें कटी हुई। अब इसे हम कवर करके रख देंगे। हम 5 मिनट बाद ढक्कन हटाकर देखेंगे। 5 मिनट बाद हमने ढक्कन हटाकर देखा है, गोभी थोड़ी सी नरम हो चुकी है। अब हम इसमें आराम से चम्मच चला सकते हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह। अब हम इसे 10 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। लो फ्लेम पे हम रखेंगे कवर करके। ये देखें आप, हम इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं आपको हमारा गोभी गोश्त कैसा लगा है, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अब हमने 5 मिनट के लिए कवर करके रख दिया है। दोबारा ढक्कन हटाकर देखेंगे। माशाल्लाह से हमारी गोभी तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ गर्म मसाला, कुटी काली मिर्च और हरी मिर्च, हरा धनिया डालेंगे। अब हम इसमें अदरक शामिल कर देंगे। ये देखें जी, माशाल्लाह हमारा गोभी गोश्त तैयार है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सा रखिएगा ख्याल, दुआओं में रखिएगा याद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।